हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पवन वाघ एकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त। तो चलिए आज हम देखते हैं क्लास 12 का लेसन नंबर 1.3 यानी यूनिट नंबर 1.3 जो कि है द कॉ एंड द एंथम। ठीक है, तो इसके जो लेखक है उनका नाम है ओ हेनरी। ओ हेनरी का असली नाम है विलियम सिडनी पोर्टर। चलो तो हम लेखक के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। एन अमेरिकन राइटर इज बेटर नोन बाय हिज पेन नेम ओ हेनरी। ही वाज अ वोरेशियस रीडर सिंस चाइल्डहुड। ही स्टार्टेड अ ह्यूमरस वीकली द रोलिंग स्टोन एंड व्हेन द वेंचर फेल्ड ही जॉइंड द ह्यूस्टन पोस्ट एज अ रिपोर्टर कॉलमनिस्ट एंड ओकेजनल कार्टूनिस्ट। तो विलियम सिडनी पोर्टर का जो लेखन करने वाला नाम है, जिस नाम से वो लोगों में परिचित है, वो नाम है ओ हेनरी। ओ हेनरी के नाम से वो लेखन करते हैं। ठीक है, तो बचपन से ही उन्हें पढ़ाई पढ़ने की, मतलब किताबें पढ़ने की बहुत ही ज्यादा लालसा थी और वो बहुत ही ज्यादा पढ़ते थे। एक विनोदी कथा पब्लिकेशन भी उन्होंने शुरू किया था, ह्यूमरस वीकली साप्ताहिक, एक बहुत ही विनोदी साप्ताहिक भी उन्होंने शुरू किया था, पर वो किसी कारण चल नहीं पाया और जब वो बंद करने की नौबत आई तो उन्होंने ह्यूस्टन पोस्ट नाम के एक अखबार में, दैनिक में रिपोर्टर, उसके साथ में कॉलमनिस्ट और एक कार्टूनिस्ट की तौर पर उन्होंने नौकरी करी। द स्टोरी द कॉप एंड द एंथम इज वन ऑफ ओ हेनरीज वेल नोन स्टोरीज। और ये जो आज की कथा हम जो देखने जा रहे हैं, ये उनकी एक बहुत ही परिचित ऐसी कहानी है। टू डिस्क्राइब हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग पीपल ऑफन हैव यूज्ड द टर्म स्माइल विद टीयर्स व्हिच इंप्लाइज हिज ट्विस्टेड वे ऑफ थॉट्स एंड एंडिंग्स इन ऑलमोस्ट एवरी स्टोरी। और उनकी जो लेखन शैली है उसको बयां करने के लिए, उसको उजागर करने के लिए, उसको बताने के लिए लोग सहसा स्माइल विद टीयर्स, मतलब आंसू के साथ हंसी, ऐसा उसको डिस्क्राइब करते, उनके स्टोरीज को डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि उनकी जो लेखन शैली है वो बहुत ही अलग तरीके की है, जिसमें जो स्टोरी का एंड होता है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है, किसी को उसकी अपेक्षा नहीं, अनपेक्षित ऐसी स्टोरी की एंडिंग होती है और वो उनके हर एक कथा में झलकता है। इन दिस स्टोरी द मेन कैरेक्टर सोपी इज अ वैगाबॉन्ड एंड अ पर्सन विद क्रिमिनल बैकग्राउंड। और इस कथा में इसका जो नायक है वो है सोपी, वो एक फिरस्ता, मतलब घूमने वाला, और क्रिमिनल बैकग्राउंड मतलब एक जिसे हम कह सकते हैं कि गैर कानूनी काम करने वाला शख्स है। ही मेक्स डिफरेंट प्लान टू री एंटर द प्रिजन एज ही हैज नो शेल्टर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द सीवियर विंटर। और वो क्या करता है, इस कथा में हम देखते हैं कि शुरुआत से आखिर तक वो एक ही प्रयास करता है कि किसी तरह वो वापस जेल में जाए। क्यों? क्योंकि बाहर रहते हुए इस ठंडी को, इस सर्दी को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और इसी के लिए उसको जेल में जाना है। द स्टोरी एंड्स इन एन अनएक्सपेक्टेड वे। ओ हेनरी हैज डिपिक्टेड सोपीज फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स टू गेट अरेस्टेड इन अ वेरी ह्यूमरस वे। और हर एक बार वो असफल रहता है। आखिर में उससे उसके साथ क्या होता है ये भी लेखक हमें बताते हैं, पर हर एक बार वो जो प्रयास करता है वो असफल रहता है और उसको बहुत ही विरोधी ढंग से, उसको बहुत ही हास्यास्पद रूप से उन्होंने प्रस्तुत किया है। द कॉप एंड द एंथम इज अबाउट फ्रीडम एंड कन्फाइनमेंट। कॉप एंड द एंथम, ये स्टोरी जो है वो फ्रीडम मतलब स्वतंत्र और कन्फाइनमेंट मतलब बंदीवास, इन दोनों के बीच की वो तुलना करती है। इनिशियली सोपी फील्स दैट देयर इज फ्रीडम फ्रॉम मिजरीज एंड वरीज इन कन्फाइनमेंट। पहले सोपी को क्या लगता है कि जेल में रहना ही उसके लिए स्वातंत्र्य है, क्योंकि उस बहाने से वो जितनी भी उसकी तकलीफें हैं उससे वो निजात पा सकता है, उससे वो फ्री रह सकता है। जेल में रहकर जो तकलीफें उनसे वो निजात पा सकता है, उनसे वो अलग रह सकता है, उनसे फ्री रह सकता है। द नोट्स ऑफ एंथम ट्रांसफॉर्म हिम फ्रॉम विदिन एंड ही रिजॉल्व्स टू वर्क हार्ड। और
लेकिन एक जगह पे वो एक प्रार्थना, एक स्तुति भजन सुनता है जिससे उसमें एक बदलाव सा आता है और वो सोचता है कि उसे ये सब कुछ छोड़ देना है और एक अच्छी जिंदगी, एक हार्ड वर्क मतलब कष्टमय कष्ट करके खुद की काम करके वो पैसा कमाना चाहता है। द आयरनी ऑफ फेट एज द मोमेंट ही रियलाइजेस द रियल फ्रीडम लाइज इन वर्चुअस लाइफ ही इज टेकन इनटू कन्फाइनमेंट। लेकिन उसमें आयरनी क्या है कि जब जिस क्षण उसे ये पता चलता है कि सही जो मायने में जो स्वातंत्र्य है वो अच्छे काम करने में है, अच्छे काम करके अपना जीवन गुजारने में है, उसी क्षण उसको कैद कर लिया जाता है। यही एक स्टोरी की आयरनी है। तो देखते हैं ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है, क्या बताती है। द कॉप एंड द एंथम। देखिए एक थोड़ी सी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, ये जो टाइटल है उसको मैंने कहा द कॉप एंड द एंथम, मतलब ये जो टी एच ई है उसको मैंने दो अलग अलग ढंग से उच्चारण उसका किया है, है ना। आई हैव प्रोनाउंस्ड टी एच ई इन टू डिफरेंट वेज, द एंड दी। तो ऐसा कब होता है, कब हम प्रोनाउंसिएशन ये शब्द का अलग अलग करते हैं, है ना। तो देखिए द का प्रोनाउंसिएशन होता है जब भी ये शब्द किसी कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द के पहले आता है तो हम उसे द कहते हैं, और जब भी कभी ये किसी वॉवेल से शुरू होने वाले शब्द के पहले आता है तो उसे दी कहते हैं, है ना। तो ए एंथम, ए क्या है वॉवेल, सो इसके लिए हम उसके क्या कहेंगे दी, द कॉप एंड दी एंथम। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये हो गया आपका इंग्लिश का लेसन, इंग्लिश लैंग्वेज का लेसन। तो चलते हैं सब्जेक्ट की ओर। Soapy left his bench and strolled out of the square and across the levels of sea of asphalt where Broadway and Fifth Avenue flowed together. Up Broadway, he turned and stopped at a luxurious coffee cafe. और क्या हुआ? Soapy एक बेंच पे बैठा हुआ था, वहां से उठा और चहलकदमी करते हुए बहुत ही आराम से वो टहल रहा था। और कहां पर वो आया, जहां पर फिफ्थ एवेन्यू और ब्रॉडवे ये दोनों रास्ते एक दूसरे को मिल रहे थे, वहां पर वो आया और ब्रॉडवे पे वो चला गया। एंड स्टॉप्ड एट अ लग्जूरियस कैफे, और वो एक लग्जूरियस कैफे के बाहर, एक होटल, एक रेस्टोरेंट के बाहर वो खड़ा रहा। Soapy had confidence in himself from the lowest button of his vest upward, और उसको खुद में बहुत सारा आत्मविश्वास था, कहां से, उसके आखिरी बटन, वेस्ट के आखिरी बटन से लेके ऊपर तक उसको पूरा विश्वास था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही क्लीन शेवन था। He was shaven and his coat was trimmed and his neat black bow had been presented to him by a lady missionary on Thanksgiving Day। क्योंकि उसने यहां से यहां तक जो पहना था, कमर के ऊपर जो कुछ भी पहना था या फिर कमर के ऊपर का उसका जो प्रेजेंटेशन था वो बहुत ही अच्छा था। उसने अच्छी सी दाढ़ी बनाई हुई थी, एक अच्छा कोट पहना हुआ था, एक बो भी उसने लगाया था जो उसको एक लेडी मिशनरी ने थैंक्स गिविंग डे पे दिया था। थैंक्स गिविंग डे क्या होता है, ये एक चौथा गुरुवार होता है, थैंक्स गिविंग डे नवंबर महीने का, जहां पर लोग कुछ धार्मिक कार्य करते हैं और यहाँ पर कुछ लोगों को भेंट वस्तुएं भी देते हैं। तो उसी दिन उसको वो मिला था, तो वो भी उसने लगाया था। मतलब यहाँ कमर के ऊपर से वो बहुत ही अच्छा, है ना, शरीफ आदमी लग रहा था। इफ ओनली ही कुड रीच अ टेबल इन द रेस्टोरेंट अनसस्पेक्टेड, सक्सेस वुड बी हिज। अगर वो किसी तरह किसी के नजरों में न आकर अपने टेबल तक पहुंच जाए तो कोई भी उस पर कोई शक नहीं कर सकता था और वो अपने काम में बिल्कुल सफल हो सकता था। द पोर्शन ऑफ हिम दैट वुड शो अबाउट द टेबल वुड रेज नो डाउट इन द वेटर्स माइंड, और जो उसके कमर के ऊपर का हिस्सा वेटर को दिखने वाला था होटल में बैठने के बाद, किसी भी तरह का कोई भी शंका वहां पर किसी के मन में उत्पन्न होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी तरह से अपने खुद को ऊपर कमर के ऊपर बनाए हुए था। अ रोस्टेड मैलार्ड डक, थॉट Soapy, वुड बी अबाउट द थिंग विथ अ बॉटल ऑफ वाइन एंड देन सम चीज, अ कप ऑफ कॉफी
एंड अ सिगार, और उसने सोच भी रखा था कि वहां पर जाने के बाद क्या करूंगा, एक बत्तख मैं ऑर्डर करूंगा और उसके साथ में फिर मैं एक वाइन की बोतल भी मंगाऊंगा, और बाद में ये सब खत्म, खाना खत्म करने के बाद मैं एक कॉफी मंगाऊंगा और एक सिगार भी मंगाऊंगा, तो इतना सारा मैं मंगाकर अपने आप को संतुष्ट करूंगा। $1 फॉर सिगार वुड बी इनफ, और सिगार के लिए $1 बहुत है। द टोटल वुड नॉट बी सो हाई एज टू कॉल फोर्थ एनी एक्सट्रीम ऑफ रिवेंज फ्रॉम द कैफे मैनेजमेंट, और इन सब का मिला के जो बिल होना है वो इतना ज्यादा भी नहीं होगा कि वो मुझसे बदला लेने की सोचे, है ना, कैफे का जो मैनेजमेंट है वो मुझसे बदला लेने की सोचे, इतना ज्यादा भी वो पैसा नहीं होगा। एंड येट द मीट वुड लीव हिम फील्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर आइलैंड, और वो इतना उसके लिए काफी तो होगा कि वो उसका पेट भरे और वो जहां पर जाना चाहता है वो विंटर आइलैंड पे, वहां तक जाने तक उसको कोई भी परेशानी ना हो। मतलब दो काम उससे होने वाले थे, ये जो मंगाने वाला था खाने के लिए उससे उसका पेट भी भरने वाला था और काफी था कि वहां की उसकी यात्रा वहां तक होने तक उसको कोई भूख का कारण नहीं सताने वाला था, नंबर एक। नंबर दो, इतना ज्यादा भी नहीं था कि वो मैनेजमेंट जो है, वो कैफे चलाने वाला, कैफे का मालिक जो है वो उसको बदला लेने की सोचे, ऐसा भी इतना ज्यादा भी नहीं था, तो उसको चल सकता था। बट एज सोफी सेट फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर द हेवी वेटर्स आई द हेड वेटर्स आई फेल अपॉन हिज टैटर्ड ट्राउजर्स एंड डिकेडेंट शूज, लेकिन जैसे ही उसने रेस्टोरेंट के अंदर कदम रखा, जो हेड वेटर होता है उसकी नजर उसके ट्राउजर पर पड़ी, पैंट पर पड़ी। हमने देखा कि वो कमर के ऊपर तो बहुत ही सज धज कर आया था, पर कमर के नीचे की बात क्या थी कि उसकी जो ट्राउजर थी, उसकी जो पैंट थी वो फटी हुई थी, और उसके जो जूते थे वो भी बहुत ही गंदे थे, फटे हुए थे। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड टर्न्ड हिम अबाउट एंड कन्वेड हिम इन साइलेंस एंड हेस्ट टू द साइडवॉक एंड अवॉइडेड द इग्नोबल फेट ऑफ द मिनेस्ट मलार्ड, है ना। और क्या हुआ कि वो हेड वेटर ने उसको क्या किया, हाथों से इशारा किया, चलिए चलिए बाजू हटिए, और उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया और उसको रास्ते लगा दिया, है ना। उसको कोई बात उससे नहीं की, सिर्फ उसको कहा गया कि चलिए आप बाहर हो जाइए, और वो हाथों से इशारा करके उसे बाहर की ओर, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और वो बाहर की ओर चला गया। और उससे क्या हुआ कि जो भी उसने मन में सोचा था कि मैं बत्तख खाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सब धरा का धरा रह गया, है। इग्नोबल, इग्नोबल मतलब डिसऑनरेबल फेट ऑफ द मिनेस्ट मलार्ड, और वो जो बत्तख वो खाने वाला था अभी वो बेचारा वहीं का वहीं रह गया, वो होटल में ही रह गया, उसको खाने को कुछ भी नहीं मिला। सो बी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे, इट सीम्ड दैट हिज रूट टू द कवेटेड आइलैंड वाज नॉट टू बी एन इजी वन, सम अदर वे ऑफ एंटरिंग द लिम्बो मस्ट बी डिवाइज्ड। और उसने सोचा कि ठीक है, ये मुझे नहीं लगता है कि मैं, मेरा जो रास्ता है वो आइलैंड तक जाने का वो इतना आसान नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर सोचना पड़ेगा, ऐसा उसने खुद को कहा। और वो उसे उस आइलैंड को वो कहता है लिम्बो, लिम्बो मतलब ऐसी जगह जो स्वर्ग और नरक के बीच की हो, तो वो कहता है कि वो उस जगह तक जाने का कोई ना कोई और रास्ता जरूर मुझे खोजना होगा। एट अ कॉर्नर ऑफ सिक्स्थ एवेन्यू इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड कनिंगली डिस्प्लेड वेयर्स बिहाइंड प्लेट ग्लास मेड अ शॉप विंडो अट्रैक्टिव, और जैसे ही वो सिक्स्थ एवेन्यू पर बढ़ा उसके कॉर्नर पे उसने एक दुकान देखी जहां पर वो दुकान बहुत ही सजी हुई थी, वहां पे लाइटें लगी हुई थी, वहां पर कांच भी, कांच की दीवारें थी, तो ये सब जो था ये उसको वहां पर अट्रैक्ट कर रहा था, उसको आकर्षित कर रहा था। सो बी टुक अ स्टोन एंड डैश्ड इट थ्रू द ग्लास, पीपल केम रनिंग राउंड द कॉर्नर, अ पुलिसमैन इन द लीड, सो बी स्टूड स्टिल विथ हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट एंड स्माइल्ड एट द साइट ऑफ द ब्रास बटन्स, और उसने क्या किया, एक पत्थर उठाया और वो कांच पर दे मारा, जैसे ही कांच फूटी कुछ लोग वहां पर दौड़ते हुए आए और सबसे आगे था एक पुलिस वाला, पुलिसमैन। सोपी वहीं पर अपनी जेब में हाथ डालकर खड़ा रहा और देखता रहा कि क्या हो रहा है।
He smiled at the sight of brass buttons. Brass buttons का क्या मतलब होता है यहाँ पे? Brass buttons का मतलब होता है policeman, है ना? क्यों? कि उनके कपड़ों में, वो नीले कपड़ों में एक पीतल के बटन लगे हुए थे, तो brass buttons का मतलब होता है, तो वो पुलिस वाले की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था. Where's the man that had done that? Inquired the officer agitatedly. और उस आदमी ने गुस्से में ही पूछा, उस पुलिस वाले ने गुस्से से सोपी को पूछा, कहाँ है वो जिसने यहाँ पर पत्थर मारकर ये कांच तोड़ दी, कहाँ है वो आदमी? Don't you think that I might have had something to do with it? Said सोपी with a friendly voice as one greets good fortune. और सोपी उससे कहने लगा, क्या आपको नहीं लगता कि इसमें मेरा हाथ भी हो सकता है? एक बहुत ही अच्छे तरीके से उसने कहा, जैसे कि अभी उसका अच्छा वक्त आने ही वाला हो, है ना? उसने इस तरह से उसको कहा. द पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोपी इवन एज अ क्लू, पर पुलिस वाले ने उसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं दिया. मैन हु स्मैश विंडोज डू नॉट रिमेन टू चैट विद द पुलिस. और उसने क्या सोचा कि जो लोग ऐसा काम करते हैं वो पुलिस वालों के साथ गप्पे लड़ाने के लिए एक जगह पर खड़े नहीं रहते. दे टेक टू देयर हील्स, और वो दौड़ कर भाग जाते हैं. द पुलिसमैन सॉ अ मैन हाफ वे डाउन द ब्लॉक रनिंग टू कैच अ कार. और वो पुलिस वाले ने क्या देखा कि एक आदमी एक कार को पकड़ने के लिए थोड़ा सा दौड़ रहा था. विच ड्रॉन क्लब ही ज्वाइंड इन द परसूट. सोपी विद डिस्गस्ट इन हिज हार्ट ड्रिफ्टेड अलोंग ट्वाइस अनसक्सेसफुल. और वो पुलिस वाला उस आदमी के पीछे उसका पीछा करते हुए दौड़ गया, और सोफी फिर एक बार दूसरी बार असफल होते हुए खुद को कोसने लगा. ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट वॉज अ रेस्टोरेंट ऑफ नो ग्रेट प्रिटेंशंस. और उसने देखा कि रास्ते के दूसरे बाजू में एक एक सादा सा, बहुत ही सिंपल सा रेस्टोरेंट है, जो बहुत ही अमीरों लोगों के लिए नहीं बल्कि सर्व जो सामान्य लोग होते हैं उनके लिए शायद वो था. इट केटर्ड टू लार्ज एपिटाइट्स एंड मॉडरेट पर्सेस. और वो जो रेस्टोरेंट था वो किसके लिए था? लार्ज एपिटाइट्स मींस, लार्ज एपिटाइट मींस जिनकी भूख बहुत ज्यादा है पर जिनके पास पैसे बहुत कम है. लार्ज एपिटाइट एंड मॉडरेट पर्सेस, तो उन लोगों के लिए था, मतलब ये गरीब लोगों के लिए था. इट्स क्रॉकरी एंड एटमोस्फियर वर थिक. और वहां पर उसके जो बर्तन वगैरह थे वो बहुत ही जाड़े थे, क्रॉकरी और एटमॉस्फेयर, और वहां का जो वातावरण था वो भी बहुत ही धुएं से भरा हुआ वगैरह वगैरह, बहुत ही एटमॉस्फेयर अलग था. इट्स सूप एंड नेपरी थीम. और उसका जो सूप था, वहां पे जो बनने वाली सब्जियां थी वो बहुत ही पतली थी, है ना? पतली मतलब पानी ही था उसमें, ऐसा कह सकते हैं, मतलब वो बहुत ही कम क्वालिटी का था, ऐसा हम लेखक यहां पर कहना चाहते. Into this place, Sophie betook himself without challenge. और ऐसी जगह में सोफी खुद को लेकर गया, betook लेकर जा. At a table he sat and consumed beefsteak, flapjacks, donuts and pie. और एक जगह पर जाकर खुद के लिए कुछ खाना उसने ऑर्डर किया. उसने क्या ऑर्डर किया? beefsteak, मतलब वो मांस के टुकड़े होते हैं, वो ऑर्डर किया. एक flapjack अलग तरीके का डिश होता है. उसके बाद में डोनट्स एक स्वीट डिश होता है, और एक पाई होता है, मतलब उसको हम उसको केक की तरह कह सकते हैं. तो ये सब वहां पे उसने ऑर्डर किया. एंड देन ही टोल्ड द वेटर द फैक्ट दैट द माइनूटेस्ट स्क्वाइन एंड हिमसेल्फ वर टोटल स्ट्रेंजर्स. और सब खाना खाने के बाद उसने उस वेटर से कहा कि उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है. नाउ गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप, सेड सोपी, एंड डोंट कीप जेंटलमैन वेटिंग. और उसने कहा कि चलिए चलिए जल्दी पुलिस को बुलाइए, मेरे जैसे अच्छे आदमी को ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाना चाहिए, ऐसा उसने उस वेटर से कहा. नो कॉप फॉर यू, सेड द वेटर विद अ वॉइस लाइक बटर केक्स एंड एन आई लाइक द चेरी इन द मैनहट्टन कॉकटेल. हे कॉन, और उसने कहा कि तुम्हारे जैसे लोगों के लिए पुलिस वालों की कोई जरूरत नहीं है, गुंडे मवाली. और उसने ऐसे कहते ही नीटली अपॉन हिज लेफ्ट ईयर एंड ऑन द कैरस पेमेंट्स, और उन्होंने उसको उठाया और जो जाने आने का रास्ता था उस पर उसको
पटक दिया, कैनस फिल्म में टू वेटर स्पीच सोपी, और वो दो लोगों ने उसको उठाया और उसको रास्ते पर फेंक दिया। ही अरोज जॉइंट बाय जॉइंट, और धीरे धीरे से वो उठा। एज अ कारपेंटर्स रूल्स रूल ऊपर, जैसे वो कारपेंटर्स की स्केल होती है वो जो से फोल्ड करके रखी होती है, तो धीरे धीरे से उसको खोलते हैं, उसकी तरह से उसने उठने की कोशिश की। बहुत हो सकता है उसे थोड़ा सा मार भी लगा हो। एंड डस्टेड हिज क्लोथ्स, और उसने अपने कपड़े झटके। अरे इट सीम्ड नाउ बट एन एलुसिव ड्रीम, और ये सब वो किस लिए कर रहा था? ये सब वो कैद होने के लिए कर रहा था कि उसे किसी तरह पुलिस वाले कैद करे और उसको वो आइलैंड पे जो जेल है वहां पर ले जाकर रख दे। इसीलिए ये सब वो कर रहा था। पर तीन असफल प्रयत्नों के बाद उसे अब लग रहा था कि उसे कैद नहीं हो सकती। कैद उसको वो कैद होने की कोशिश कर रहा था और कैद उसको उससे भाग रही थी, तो वो कैद नहीं हो पा रहा था। द आईलैंड सीम वेरी फार अवे। अ पुलिसमैन हु स्टूड बिफोर अ ड्रग स्टोर टू डोर्स अवे लाफ्ड एंड वॉक डाउन द स्ट्रीट, और उसको लग रहा था कि वो जो प्रिजन है, वो जो जेल है, वो बहुत ही दूर उसको लग रहा था। और उसने देखा कि एक पुलिस वाला वहां पर से गुजर रहा है, उसने उसकी तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दिया और वो अपने रास्ते चलता बना। सोपी वॉज सीज्ड विद अ सडन फियर दैट सम ड्रेडफुल एन्चेंटमेंट हैज रेंडर्ड हिम इम्यून टू अरेस्ट, और उसे ऐसा लग रहा था कि किसी तरह कोई जादू हुआ है जिसकी वजह से वो कैद नहीं हो पा रहा है। He was in a state of panic, and then he came upon another policeman lounging grandly in front of the glittering theatre. He caught at an immediate straw of disorderly conduct. और किसी तरह से वो रास्ते से जा रहा था तो उसने देखा कि एक थिएटर के सामने एक पुलिस वाला खड़ा था और वो वहां पर चक्कर मार रहा था। तो जैसे ही उसने उस पुलिस वाले को देखा, उसने अपनी नाटकबाजी शुरू कर दी और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। ऑन द साइड वॉक सोपी बिगैन टू येल ड्रंकन गिबरिश एट द टॉप ऑफ हिज हार्श वॉइस, और उसने क्या करना शुरू किया, उसने बहुत ज्यादा जोरों से, जैसे कि कोई शराबी चिल्लाता है, उस तरह से चिल्लाना शुरू कर दिया। ही डांस हाउल्ड रेव्ड एंड अदरवाइज डिस्टर्ब्ड द स्काइज, और उसने वहां पर नाचना, वहां पर बहुत सारा हल्ला गुल्ला मचाना शुरू कर दिया। The policeman merely twirled his club, turned his back to Soapy and remarked to the citizen. और उसने उसके हाथ में जो लकड़ी थी उसको सिर्फ एक हाथ में घुमाया और उसने सोपी की तरफ अपनी पीठ की और वो दूसरी तरफ जाते हुए एक आदमी से कहने लगा। क्या कहा उसने? This one of them, ye lad celebrating the good day, this give to the Hartford College. The policeman merely said. वो पुलिस वाले ने उस आदमी से क्या कहा? उस आदमी से कहा कि ये वो वही लोग हैं, वो ये लैब से जो अपना उत्सव मना रहे हैं, तो ठीक है हमको भी ऐसे ऑर्डर्स मिले हैं, बट एट टू द हार्टफोर्ड कॉलेज नॉइजी बट नो हार्म, वी हैव इंस्ट्रक्शंस टू लेट देम बी, और हमें ऐसे आदेश मिले हैं कि उनको कुछ भी नहीं करना है, उनको जो करना है उनको करने दीजिए, चिल्लाने दीजिए उनको, उनका क्या है वो करने दीजिए, उनको कोई भी तकलीफ ना दे या उनको कोई भी पकड़कर जेल में ना डाले। Disconsolate Soapy stood his unwilling racket. Would never a policeman lay hands on him? In his fancy, the island seemed an unattainable Arcadia. He buttoned his thin coat against the chilling wind. अभी वो बहुत ही दुखी हुआ और उसने क्या किया? किसी तरह से उसका असफल हल्ला गुल्ला उसने रोक दिया और उसने अपना बटन, कोट का जो बटन है वो लगा दिया, क्योंकि उसे बहुत ही ठंड लग रही थी, उसने वो लगा दिया और सोचने लगा कि किसी तरह से ये जो जगह है जिसको वो आइलैंड जेल कह रहा है, वो किसी तरह से एक बहुत ही मुश्किल भरा सफर वहां तक हो रहा था, वो जगह वहां तक जाने का उसका जो प्रयास था वो हर एक प्रयास असफल हो रहा है, ऐसा उसे लग रहा था। इन अ सिगार स्टोर ही सॉ अ वेल ड्रेस्ड मैन लाइटिंग अ सिगार एट द स्विंगिंग लाइट। ही सेट ही हैड सेट हिज सिल्क अम्ब्रेला बाय द डोर ऑन एंटरिंग। सो ही स्टेप्स इनसाइड, ग्रैब्ड द अम्ब्रेला एंड सॉन्टर्ड ऑफ विद इट स्लोली।
द मैन एट अ सिगार लाइट फॉलोड हिस्टिली। और एक सिगरेट की दुकान में उसने देखा कि एक आदमी अंदर गया है और वो अपनी सिगार जो लाइट है जलता हुआ उसको जलाने की कोशिश वो कर रहा था, और उसने अपनी जो छतरी थी वो बहुत ही बढ़िया छतरी थी वो एक बाजू में उसने दुकान के बाहर रख दी थी। तो सोपी वहां गया वो दुकान के अंदर और उसने वो छतरी उठाई और धीरे से अपने रास्ते चलने लगा। जैसे ही उस आदमी ने देखा कि कोई उसकी छतरी ले जा रहा है वो आदमी उसके पीछे भागा और उसको पकड़ने लगा। माय अम्ब्रेला ही सेड स्टर्नली, और उसने उस आदमी से कहा, उसने सोपी से कहा कि ये मेरी छतरी है। ओ इज इट, स्नीयर्ड सोपी एडिंग इंसल्ट टू पेटी लार्सनी। ओ ऐसा है, ये आपकी छतरी है। तो जैसे कि वो कोई चोरी, लार्सनी मतलब चोरी होता है, तो चोरी को जैसे कि ये मेरी ही छतरी है, मैंने इसे नहीं चुराया है, जैसे कि चोरी एक बहुत ही बुरा काम है, इस भाव से उसने उस आदमी से कहा। वेल व्हाई डोंट यू कॉल अ पुलिसमैन, आई टुक इट योर अम्ब्रेला, व्हाई डोंट यू कॉल अ कॉप, देयर स्टैंड्स वन ऑन द कॉर्नर। और उसने सोपी ने उस आदमी से कहा ये आपकी छतरी है, ठीक है तो एक काम कीजिए आप पुलिस वाले को बुलाइए। क्यों नहीं बुलाते, देखिए वहां पर वो खड़ा है उसको बुलाइए, ये आपकी छतरी है ना, ऐसा वो उस आदमी से कहने लगा। द अम्ब्रेला ओनर स्लोड हिज स्टेप्स, सोपी डिड लाइकवाइज विद अ प्रिमोनिशन दैट लक वुड अगेन रन अगेंस्ट यू। द पुलिसमैन आईड एट द टू क्यूरियसली। और अभी वो जो आदमी उसकी तरफ आ रहा था, बढ़ रहा था वो छतरी वाला, उसने अपने कदम थोड़े से पीछे हटा लिए और वो पुलिस वाला जो वहां पर खड़ा था वो भी इन दोनों की तरफ देख रहा था। अभी सोफी को ऐसा लग रहा था कि कहीं ये मौका भी हाथ से ना छूट जाए, इसलिए वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ऑफ कोर्स सेड द अम्ब्रेला मैन, वेल यू नो हाउ दीज मिस्टेक्स अकर, इफ इट्स योर अम्ब्रेला आई होप यू एक्सक्यूज मी। और वो आदमी सोफी से कहने लगा ठीक है ऐसी गलतियां तो होती रहती है, अगर ये आपकी छतरी है तो मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा ये मेरी ही छतरी है, ऐसा कहकर वो पलटने लगा। I hope you'll excuse me. I picked it up this morning in a restaurant. If you recognize it as yours, why? I hope you will. और उसने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, सवेरे ही मैंने एक रेस्टोरेंट से इसको उठाया था, अगर ये आपकी है और आप उसको पहचान रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ले जाइए, ये आपकी ही छतरी है, ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चलता बना। Of course it's mine, सोपी said savagely. और सोपी ने कहा हाँ ये मेरी ही छतरी है, ऐसा उसने उस आदमी से कहा। The ex-umbrella man retreated, और वो जो छतरी वाला आदमी था वो वहां से चलता बना। The policeman hurried to assist a tall blonde in an opera cloak across the street, in front of a street car that was approaching two blocks away. और वो जो पुलिस वाला था वो किसी ऐसे सुनहरे बालों वाला जो आदमी वहां से बाहर आया था रेस्टोरेंट के बाहर और एक कार को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसने उसकी वो पुलिस वाला उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। सोपी वॉक्ड ईस्टवर्ड्स थ्रू अ स्ट्रीट डैमेज्ड बाय इम्प्रूवमेंट्स, ही हर्ड द अम्ब्रेला एंग्रीली इनटू एन एक्सकेवेशन। और सोपी अभी एक रास्ते से जा रहा था जो रास्ते का काम शुरू था, वो रास्ते का जो काम था वो चालू था, और इसीलिए उसने क्या किया, वो उसको गुस्सा बहुत आया, उसने वो छतरी उस खुदाई में जो खुदाई रोड की हुई थी उसमें फेंक दी। He muttered against the men who wear helmets and carry gloves. और उसको ये जो लोग हैं जो हेलमेट पहनते हैं और लकड़ियां साथ में लेकर जाते हैं वो सब लोगों को उसको लोगों का उसको गुस्सा आ रहा था, वो सब लोगों के बारे में मतलब ये कौन लोग हैं, ये वही पुलिस वाले हैं जिनका उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था। At length, he muttered against the men who wear helmets and carry clubs because he wanted to fall into their clutches. They seemed to regard him as a king who could do nothing wrong. और उसको उनका गुस्सा क्यों आ रहा था? उनका गुस्सा उसको इसलिए आ रहा था क्योंकि वो उनकी कैद में जाना चाहता था, पर वो है कि ऐसा सोच बैठे थे जैसे कि वो एक राजा है और वो कोई भी गलत काम कर ही नहीं सकता, ऐसी उनकी सोच हो रही थी। तो उसको सोपी को उस बात का गुस्सा उन पर आ रहा था। At length, Sophie reached one of the avenues to the east where the glitter and turmoil was but faint. और
वो ऐसे ही चलते चलते एक रास्ते पर आया जहां पर उसने देखा कि ये चकाचौंध है वो थोड़ी सी कम हो गई थी। He dragged himself towards Madison Square, और वो मेडिसन स्क्वायर की तरफ, मेडिसन चौराहे की तरफ बढ़ा। फॉर द होमिंग इंस्टिंक्ट सर्वाइव्स इवन व्हेन द होम इज अ पार्क बेंच, क्योंकि रात में हर एक आदमी को अपना घर प्यारा होता है, भले ही वो चाहे कोई बागीचे में का कोई बाकड़ा क्यों ना हो, कोई बेंच क्यों ना हो, वो ही उसका घर था, क्योंकि उसको कोई घर नहीं था, है ना। तो इसलिए वो उस जगह से उस जगह पर जाने की कोशिश कर रहा था। तो चलिए ठीक है, आशा करता हूं कि जो जितना भी हमने लिया है अभी वो आपकी समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियोस पाने के लिए पवन वाघ अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।